सचमुच इशिता की तड़पती ममता को सबसे बड़ा सुकून मिल गया। बेटी के लिए बेचैन इस माँ को दुनिया मिल गई। रेशमा ने झट से अपनी परी अपनी रूही को कलेजे से लगा लिया। उसके चांद से मुखड़े को चूम लिया। रूही की चोट ने उसे इशिमा के और पास आने का मौका दे दिया, वरना स्टैचू स्टैचू के खेल में वो तो अपनी इशिमा पर लाड़ जताने से चूक गई थी। दर्द में रूही ने इशिमा को पुकारा और इशिमा झट से अपनी बिटिया रानी के पास पहुंच गई। चलो मैं ऊपर चलती हूँ और फिर अभी वीको टर्मेरिक डालेंगे। सो क्यूट रूही। वैसे ममता का मरहम जादू की तरह असर करता है, इससे बढ़कर दवाई और कोई नहीं। रूही का दर्द तो रमन से भी देखा नहीं जा रहा, लेकिन शकुन सगी बा होकर भी एटीट्यूड दिखाने में बिजी थी। मैं इश्मा के पास जल्दी से जल्दी जाना चाहती हूँ और अगर नहीं गई तो मैं बहुत उदास होंगी। ना ना गुड़िया रानी, आपको उदास होने की जरूरत नहीं, क्योंकि जल्द इशिमा आपको अपने साथ ले जाएगी और फिर इस माँ बेटी को कोई जुदा नहीं कर पाएगा। शांत्रु भटनागर के साथ आज तक ब्यूरो।